ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। प्रसाद होता है इनका। हो गया चले। प्रसाद सबके लिए होता है। जल्दी चलना, कितनी देर लगाती है तैयार होने में। कब से बोरी मुहूर्त निकल जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा। एक और गिफ्ट। सम्मति आती है। वैसे ये सारा का सारा प्रसाद है ना, उनमें बांट दीजिए। जितनी मति सम्मति आनी है सबकी जरूरत है। चल। हर साल तुम पहले मुझे हैप्पी होली करते हो और इस बार मुझसे पहले। अरे चलना, सॉरी मैं भूल गया था कि दोनों में से बच्चा कौन। आजा। चलना, आज के दिन तो दुश्मन भी गले लग जाते हैं। हैप्पी होली। और इतना याद रखना, मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए लेकिन मोहन का गुरु एक ही है। तो आज और कौन कौन से दुश्मनों को गले मिलने का प्लान है? बुरा ना मानो, होली है। अच्छा, खाने में स्पेशल क्या बनो? अरे तुझे छुट्टी का ख्याल नहीं आता क्या कभी? आज होली है ना, आराम कर। क्यों, आज आपका उपवास है? नहीं रे, मैं जा रहा हूँ काम पे। नहीं, आज भी होली के दिन? और नहीं तो क्या, कल का अखबार छापने के लिए खबर कहाँ से आएगी? अच्छा जी, अब भी मुझे तो बड़ा छुट्टी का ज्ञान बांट रहे थे हैं? अरे ओए, वो मम्मी जी आ रही है, उनका क्या करूं? अरे वो आ गई और वापस पिछली बार की तरह भांग वांग पी ली, तो मैं नहीं संभालूंगा। तू फिक्र मत कर, मैं उन्हें फोन करके बोल दूंगा कि मैं बिजी। ठीक है, चल बाय। अरे भैया नाश्ता। चाचा एक किलो कर दीजिए। हाँ देता हूँ, देता हूँ। अरे वाह, गरम गरम जलेबी, कुरुख ले ले लेता हूँ, खुश हो जाएगा। वैसे भी मुंह फुला के बैठा है कि आज के दिन भी मैं काम कर रहा हूं। ये अच्छा सरप्राइज। अरे चाचा आधा किलो घर भिजवा देना। हाँ। देख
आधा किलो जलेबी देना। अच्छा अच्छा देता हूँ। कितना हुआ? वैसे तो 100 रुपए किलो है, तुम्हारे 50 रुपए। 100 रुपए? पर चाचा कल तक तो आप 50 में बेच रहे थे ना। बिटिया होली का सीजन है, स्पेशल जलेबी है। चाचा जलेबियाँ तो जलेबियाँ होती है, अब त्योहार है इसका मतलब ये थोड़ी कि दाम बढ़ा दिए जाएंगे, ये तो गलत बात है। बिटिया पूरे इंदौर में भाव बढ़ा हुआ है। अरे चाचा संभाल के। सर एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बड़ा अजीब आदमी है, क्या हुआ? बात हुई? हाँ फोन तो उठाया, लेकिन आपका स्टार रिपोर्टर किसी बड़ी स्टोरी को कवर करने में बिजी है, बोला डिस्टर्ब मत करो। ये मोहन भी ना अजीब आदमी, काम के सामने कुछ नहीं सोचता है। अरे तू यहीं रुक, मैं दोनों के पीछे जा रहा। भाई भाई मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं तू यहीं रुक डिम्पी के साथ। अरे अरे मोहन मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मोहल्ले वाले रंग डालने आए मुझ पर, मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। माँ जी दरवाजा नहीं खोलना प्लीज। कौन है? बच्चे रेनू? ये बच्चे नहीं है, ये होली के दिन के शैतान है, ये मुझ पर रंग डाल देंगे माँ जी, इनको अंदर नहीं लूंगी मैं। ताई जी खोलो ना। खोल दे जा, भागो यहाँ से, नहीं खोलती दरवाजा। ताई जी प्लीज। अच्छा ठीक है। कोई बदमाशी नहीं, और कोई तो नहीं है ना? नहीं। चलो चलो चलो। हाँ हाँ अरे रेनू दरवाजा खोलो, मैं हूँ। अब क्या तुम्हें भी गुब्बारे चाहिए? अरे बाबा मुझे होली नहीं खेलनी, दरवाजा खोलो जल्दी। आँख खराब कर देते, कोई चैन से बैठने नहीं देगा। नहीं जी जी मैं, मुझे बहुत भूख लगी। अरे भूख लगी तो मैं गरम गरम पूरियां बना देती हूँ। हाँ, वो जी। लेकिन एक बात बता, तू अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गया रहा? बस मन ही नहीं कर रहा है जी जी। अच्छा मन नहीं कर रहा तेरा? नहीं मन नहीं कर रहा है जी जी। अरे तो मन नहीं कर रहा तो अंदर चलो, कोई रंग डाल देगा। रेनू छोड़ना मत संजय को। अरे निधि आजा जी। अरे मिठाई के लिए तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और बता बहुत दिन से दिखी नहीं, तेरी मम्मी बता रही थी बड़ी पढ़ाई कर रही है। इम्तिहान कैसे हुए? जी अच्छे हुए जी जी। हैप्पी होली। हैप्पी होली जी जी। अब मैं चलती हूँ। अरे क्या? हाँ। ये दोनों कहाँ रह गए? मेघा वो प्रतीक पूछ रहे हैं मोहन की कोई न्यूज मिली, बात हुई तेरी उससे? नहीं मैं फिर भी एक बार ट्राई करूँ। अच्छा ठीक है। ये लो सबूत।
जो कब से मैंने दीनानाथ के खिलाफ बड़ी हिफाजत से अपने पास रखे थे। बस एक बार ये आर्टिकल छप जाए तो मैं अपनी फैमिली को लेकर इस दौर से बहुत दूर चली जाऊंगी।